हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल दूंगा जो आपको सॉल्व करनी है, जो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा अभी आ रहा है उसके बेसिस पे है। बिल्कुल वैसी ही टेबल है, थोड़ा लेंथी है और क्वेश्चन भी उसी टाइप से हैं। आप क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन हो तो उनको मतलब साथ में सॉल्व करके देखें, और जो जो चीज़ें दी गई हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। टेबल आपके सामने है, ये टेबल आपको ड्रा करनी है सेम बिल्कुल जैसा दिया गया है। जैसा ये पैटर्न है ये आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है, जो ये ऐसे आ रहे हैं, जो भी चीज़ें इसमें दी गई है वो आपको वैसे ही रखनी है, ठीक है। दूसरा, आपको एक क्वेश्चन वो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ऐड करना है, इस टाइटल को आपको सेंटर अलाइन करना है पूरे को, तो वो आप कर ले। एक क्वेश्चन ये होगा आपका टेबल में तो, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ड्रा द टेबल फ्रॉम सेल A11। आपको A11 से अपनी टेबल बनानी है, अपना जो मतलब जो टेबल आपको दी गई है सामने, ये आपको A11 से स्टार्ट करके आपको ये टेबल पूरी क्रिएट करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट दी हेडिंग टेक्स्ट साइज 18। जो हेडिंग है इस टेबल की वो आपको पता होनी चाहिए कि हेडिंग क्या होता है और टाइटल क्या होता है। हेडिंग का साइज़ आपको 18 रखना है और उसको बोल्ड करना है, ठीक है। अगला आपका होगा टाइटल, टाइटल को आपको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद टाइटल का साइज़ आपको 12 रखना है। इसमें मैंने आपको जो पीछे क्वेश्चन बताया था कि आपको सेंटर अलाइन करना है, तो वो आप याद रखें, टाइटल को आप साइज़ देंगे 12 का और जो हेडिंग का साइज़ है वो आपका 16 रहेगा। वो आप देखेंगे कि अपने उस पर कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको पता है कि हेडिंग क्या होगा और टाइटल क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि कैलकुलेट द टोटल, टोटल कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको हिंट दी गई होगी कि टेस्ट प्लस टेस्ट एवरेज प्लस प्रोजेक्ट, टेस्ट एवरेज और प्लस प्रोजेक्ट करोगे तो आपका जो टोटल आएगा वो निकल जाएगा, जो कॉलम आपको दिया गया है टोटल निकालना है वो। अगला क्वेश्चन आपका हुआ, फाइंड द ग्रेड विद एप्रोप्रिएट फॉर्मूला पास और फेल। आपको पास और फेल के लिए ये आपको कंडीशन दी गई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको या आप अपने खुद से भी कर सकते हैं कि आपके पास जो डाटा है उसमें आप 50 से अबव या 90 जो भी आपको डाटा मिले उस हिसाब से आपको पास या फेल वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। इसमें कंडीशन नहीं थी तो वो कंडीशन मैं लिख नहीं पाया, इसमें टाइप नहीं कर पाया, तो आपको पास और फेल जो भी आपको डाटा लगे कि इतने से ऊपर तक का फेल किया जा सकता है और इतने से नीचे तक का पास किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन करेंगे जो पास और फेल का है, ये आपको निकालना है, ग्रेड निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द परफॉर्मेंस इफ़ द प्रोजेक्ट मार्क्स, जो प्रोजेक्ट में मार्क्स जो है, जो अगर वो लेस देन 6 से नीचे है तो आपको पुअर परफॉर्मेंस देनी है, अदरवाइज आपको ओके करनी है। ये आपको फॉर्मूला से करना है क्योंकि वहाँ पे जो आपकी टेबल होती है जो सॉफ्टवेयर पे, वो फॉर्मूला उसमें जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो वो शो करती है पूरी टेबल, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम चेक होते हैं। तो पिछली बार भी कुछ बच्चों ने फॉर्मूला नहीं लगाया था, सिंपली बना दी थी टेबल, तो उसमें भी डाउट रहता है आपको कि आपने क्या आपका फॉर्मूला नहीं लगाया तो आपको फेल किया गया हो। इसके बाद आपको ये निकालना है पुअर या ओके जो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस का कॉलम आपको ऊपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। जो ये आपका परफॉर्मेंस का कॉलम है लास्ट का, इसमें आपको परफॉर्मेंस निकालनी है, उससे पहले आपको ग्रेड निकालनी थी और उससे पहले जो टोटल है वो निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। A11 से आपको टेबल स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द क्लास एवरेज हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये लास्ट क्वेश्चन आपको एक ही सॉल्व करना है,
जो ये दिया गया है आपको, क्लास एवरेज आपको यहाँ पे निकालने हैं, एवरेज जितनी भी होगी जो जो ऊपर चीज़ें दी गई है उनके एवरेज निकालने हैं, हाईएस्ट ग्रेड आपको निकालना है कौन सा होगा, ठीक है। आप किस में निकालेंगे ग्रेड वो आपको यहाँ पे देखना है कि आप कौन से कॉलम में जो क्वेश्चन मार्क पे आप अपना ग्रेड निकालेंगे, ठीक है। और लोवेस्ट ग्रेड आप देखेंगे ग्रेड कहाँ पे है और कहाँ पे आप निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं कि कितने स्टूडेंट काउंट है, ये आपका फॉर्मूला के हिसाब से होगा, सारा फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। लोवेस्ट मार्क्स और काउंट द स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको टेबल बनानी है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तब तक आप ये टेबल बना के देखें। अगर आप बना लेते हैं और टाइम ज़रूर सेट करें कि आप 10 मिनट से पहले ये टेबल बना लेते हैं, इन जो अप्रोप्रिएट डाटा है वो फिल कर लेते हैं, या जो आप कर सकते हैं वो आप मिनिमम टाइम में अपना करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे जब आप टेबल ही पूरी नहीं टाइप कर पाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा, उससे पहले तो आपको टेबल ही टाइप करनी होती है। तो जल्दी से जल्द जितना हो सके अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं, जितना इंक्रीज कर सकते हैं आप नंबर कीबोर्ड्स, राइट हैंड में जो कीबोर्ड होता है नंबर्स होते हैं उनको ज़्यादा यूज करें, इनसे स्पीड बनाएं, क्योंकि ऊपर वाले कीबोर्ड्स क्या आपको दिक्कत देंगे। तो आप इसको सॉल्व करें, जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट करें, और पास और फेल के लिए आप जो मतलब आपको टोटल जो आपका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 16 से ऊपर होंगे उनको पास और जो 16 से नीचे होंगे उनको फेल कर देना आप, ये आप कंडीशन लगा लेना ग्रेड निकालते टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्यूशन इसका ज़रूर करके देखें, टेबल के आने के 100% चांसेस हैं, और ऐसे ही मैं आपको 4-5 और टेबल भी दे दूंगा जिनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो मेरे पास पीडीएफ थी उसमें से 2 टेबल अभी तक आ चुकी है एग्ज़ाम में, तीसरी मैंने देखा नहीं था डाटा कि अब तक वो नहीं आई हो, लेकिन 2 टेबल उस पीडीएफ में से आ चुकी है, बाकी जो 7 टेबल और रहती हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। आई होप आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।